की शुरुआत हो चुकी है और आज है सावन का पहला सोमवार तो मैंने सोचा क्यों ना आज दिल्ली के कामों से हट के दिन को स्पेशल तरीके से स्टार्ट किया जाए ढेर सारा श्रृंगार किया जाए हरी हरी चूड़ियाँ पहनी जाए जो कि सावन को रिप्रेजेंट करती हैं हम लोगों को अपने कल्चर का टाइम टाइम पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए उस हिसाब से हर एक लेडी को तैयार होते रहना चाहिए तो बहुत अच्छे से साज श्रृंगार करने के बाद मैं लौटने वाली हूँ अपने डेली रूटीन के वर्क में आज के लिए भी कुछ स्पेशल टास्क प्लान किए हैं मैंने अब त्योहार है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि काम नहीं होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो और शेयर करती हूँ कुछ होम मेकिंग के न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी होम मेकिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे मेकर्स के काम कभी ख़त्म ना होने वाले होते हैं लेकिन अगर कोई तीस त्योहार का दिन हो पूजा पाठ का दिन हो तो खुद को भी स्पेशल फील कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मॉर्निंग के सारे टास्क को मैंने ख़त्म कर लिए हैं और अभी एक से डेढ़ घंटा मेरे पास फ्री टाइम था तो सोचा कि सावन का महीना शुरू ही हो गया है तो थोड़ा सा श्रृंगार करना तो बनता है चूड़ियाँ वगैरह मॉर्निंग में ही पहन ली थी मैंने और अभी फ्री हो के मैंने लगा ली है मेहंदी खुद को टाइम टाइम पे स्पेशल फील कराने से हमें भी रिफ़्रेशमेंट मिलता रहता है घर के कामों में और अच्छे से मन लगता है और जब भी आप लोग मेहंदी लगाएं क्या होता है ना कि हम लोगों को काम करने के चक्कर में छोटे बच्चे होते हैं ढेर सारा काम होता है मेहंदी को जल्दी धोना पड़ता है जिससे उसका कलर नहीं आ पाता है परफेक्टली तो इसके लिए यही एक उपाय है कि मेहंदी जब 80 से 90 परसेंट सूख जाए उसके ऊपर सरसों का तेल अप्लाई कर लीजिए और बहुत अच्छे से मेहंदी का कलर आ जाता है बाद में आपके हाथ पे पानी भी पड़े तो भी कोई असर नहीं पड़ता है और देखिए तेल अप्लाई करने से मेहंदी को निकालने में भी काफ़ी आसानी होती है बहुत अच्छे से ये स्मूथली निकल जाती है एक्स्ट्रा टास्क करने का टाइम तभी मिल पाता है जब उसका घर पूरी तरह से मैनेज हो ऑर्गेनाइज हो और घर मैनेज और ऑर्गेनाइज तभी होता है जब होम मेकर की एक स्पेशल हैबिट हो कि चीज़ों को जहाँ से उठाया है वहीं से रखे जब एक होम मेकर ये काम करती है ना तो वो अपने फैमिली के हर मेम्बर को भी वो करने को बोलती है कि जहाँ से जिस चीज़ को उठाया गया है अगेन वहीं पर जाके यूज़ करने के बाद रख दें ये आपकी जो हैबिट है आपके घर को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती है आपकी चीज़ें मिलने में आसानी होती हैं जो भी चीज़ें मैंने मॉर्निंग में यूज़ की थी साड़ी पहनने के लिए साड़ी पिंस हेयर पिंस या जो भी ज्वेलरी वगैरह मैंने यूज़ की थी सारी चीज़ों को अभी के अभी मैं अरेंज करके रख दूँगी जिसकी प्लेस जहाँ है एकदम वहीं पर रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उसको यूज़ करने जाऊँ चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ मिले जहाँ पे उनकी जगह है वहीं पे मिले कुछ देखिए ऐसे ज्वेलरीज हैं जिनको पैकेट्स में रखना ज़रूरी होता है ताकि इनका जो कलर है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे तो ऐसी चीज़ों को मैं ऐसे पॉलीथीन बैग्स में पैक करके रखना पसंद करती हूँ पिन वगैरह थे वो छोटे से बॉक्स में मैंने रख दिए और जहाँ से जो सामान निकाला था वहाँ पे उनको वापस से ऑर्गेनाइज करके रख दिया अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी उनको यूज़ करने जाऊँगी ना मुझे बहुत आसानी रहेगी किसी भी काम में चिड़ चिराहट नहीं लगेगी हमारे घर में बहुत सारे डब्बे वगैरह मिल जाते हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज़र के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं जैसे ये एक मिठाई का बॉक्स है जिसमें मैंने अपने सारे ईयर रिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं और ये एक बैंगल बॉक्स मुझे अभी मिल गया इसको भी मैं रख लूँगी जो पुराने बैंगल्स होंगे ना उनको रखने के ये बहुत अच्छे से काम आ जाएगा हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं कि जब भी कुछ नया काम आ जाता है तो सोचते हैं कि अभी इसको टाल देते हैं थोड़ी देर में टाइम मिलेगा तो हम इसको कर लेंगे धीरे धीरे देखते ही देखते हमारा पूरा दिन निकल जाता है ना हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और ना हम उस एक्स्ट्रा काम को कंप्लीट कर पाते हैं तो समझदारी इसी में है कि उसी टाइम में से पाँच मिनट दस मिनट का टाइम निकाल के हम उस नए आए हुए टास्क को भी तुरंत के तुरंत कर लें जिससे हमारा घर घर मैनेज दिखे ऑर्गेनाइज दिखे अगर हम अपने कपड़ों को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं ना तो हमारे कपड़े बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और उनका फैब्रिक भी खराब नहीं होता है साथ के साथ उनका कलर भी फेड नहीं होता है साड़ियों को मैं वॉश करने के लिए हमेशा शैम्पू का यूज करती हूँ या तो ईजी जो स्वेटर्स वगैरह धोने के लिए होते हैं उनका यूज़ करती हूँ इससे साड़ियों का फैब्रिक हमेशा सॉफ्ट बना रहता है कलर भी बिल्कुल फेड नहीं होता है और आपकी साड़ियाँ सालों साल न्यू बनी रहती हैं होम मेकर्स के पास कितने सारे काम होते हैं बच्चों की पढ़ाई कराना उनको होमवर्क कराना जो भी हमारे घर के डेली चोर्स हैं उनको कंप्लीट करना तीन टाइम का खाना बनाना नाश्ता बनाना कपड़े धोना बर्तन धोना और ना जाने कितने सारे काम बट इन कामों को साइड में रख के अगर थोड़ा थोड़ा सा टाइम हम लोग बीच में अपने लिए निकालते रहें तो हमें रिफ्रेशमेंट मिलती रहती है अभी अचानक से होने लगी बारिश और दिल्ली में बारिश तो कभी कभी ही होती है तो मैंने सोचा सारे कामों को साइड में रखते हुए क्यों ना थोड़ा सा बारिश को इंजॉय कर लिया जाए और जब सावन के पहले दिन बारिश हो तब तो बारिश की वैल्यू और भी बढ़ जाती है और देखिए प्लांट्स भी बारिश में कितने खुश खुश नजर आते हैं तो हम लोगों को भी तो खुशी होगी ही बरसात के मौसम में अचार खाना किसको पसंद नहीं होता लेकिन जब आचार बनाने की बात हो तो टेंशन ये हो जाती है कि सामानों को सुखाएं कहाँ पे क्योंकि धूप तो प्रॉपर निकलती नहीं है तो यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ एक मिर्च के आचार की इंस्टेंट रेसिपी बहुत इजी है बनाना साथ में धूप की कोई ज़रूरत नहीं है ख़राब होने का चांस ही नहीं है तो मिर्चियों को धो के मैंने फ़ैन के नीचे आधा घंटा सुखाया है देन उसको बीस से कट कर लिया है अब रेडी कर लेते हैं उसका मसाला दो चम्मच सौफ़ है दो चम्मच राई है इसको थोड़ा सा हम लोग खुशबू आने तक रोस्ट कर लेंगे देन कढ़ाई में मैं गरम कर लूँगी आधा कटोरी तेल जिसको कि हम ठंडा करके अचार में ऐड करने वाले हैं अब इस मसाले में हल्दी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हींग मैं डाल दूँगी जिससे इसका टेस्ट और कलर और अच्छा आ जाएगा अब मैं मिर्चों को निकाल लूँगी एक बोल में जो मसाले मैंने ग्राइंड किए हैं उनको डाल दूँगी थोड़ा सा मंगरेल डालूँगी थोड़ा सा नमक डालूँगी और विनेगर इसमें हम डालेंगे जो कि धूप का काम करेगा मीन्स हमारे अचारों को खराब होने से बचाने का, का काम करेगा तो तीन ढक्कन मैंने विनेगर डाला है ये वाइट वाला विनेगर है जो कि हम लोग चाउमीन वगैरह में यूज़ करते हैं देन जो तेल हमने गरम किया था उसको को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिला के किसी कंटेनर में भर लेंगे एकदम इंस्टेंट रेसिपी है इसको ना तो दो तीन दिन छोड़ने की ज़रूरत है ना धूप दिखाने की तुरंत तुरंत तुरं 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 रेडी हो जाएगा तुरंत आप लोग खा भी सकते हैं जब भी हम लोग अचार वगैरह बनाते हैं हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है इस प्रॉब्लम को हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं नींबू के रस से नींबू का रस थोड़ा सा हाथों में निकालिए और हाथों में अच्छे से लगा लीजिए नींबू के छिलके को भी चाहें तो आप रब कर सकते हैं स्किन भी ग्लोइंग हो जाएगी और हाथों से जो मिर्ची का तीखापन है ना वो भी निकल जाता है पाँच से दस मिनट इसको लगे रहने दीजिए फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए हैंड वॉश लगा लीजिए आपके हाथों से जो तीखापन है बिल्कुल ही निकल जाता है होम मेकरस को कहाँ टाइम मिल पाता है कि हम लोग अपने स्किन की केयर करें लेकिन जब आप थर्टी क्रॉस कर रहे हो तो टाइम टाइम पर आपको स्किन की रेगुलर केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमिड का मौसम है स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है ऐसे में ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा फेस पैक ट्राई करें जो आपकी स्किन से छिपछिपा पन दूर करे आपके फेस को ग्लोइंग करे तो यहाँ पर मैं बेसन हल्दी और दही का फेस पैक बना रही हूँ थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए दिन भर में पंद्रह से बीस मिनट का निकालने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करने से टाइम निकल भी जाता है फेस पैक को अप्लाई कर लूँगी देखिए आप लोगों में से भी बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास फ़ेस पैक लगा के बैठने का टाइम नहीं होता इन नेचुरल चीज़ों का जो फेस पैक है आपको लगा के बैठने की ज़रूरत भी नहीं है फेस पैक अप्लाई कर लीजिए फिर अपने काम करते रहिए मेरा भी यही रूटीन होता है फ़ेस पैक लगा के जो भी मेरे डेली के काम होते हैं वो मैं करते रहती हूँ कब मेरा काम भी हो जाता है कब मेरा फेस पैक भी सूख जाता है पता ही नहीं चलता एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही नहीं पड़ता है खुद की केयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना भी पड़े थोड़ा सा टाइम चुराना भी पड़े तो इसमें गलत ही क्या है आने वाले त्यौहार बताते हैं कि हमारे किचन में क्या पकने वाला है सावन की याद से शुरुआत हो रही है तो इसी खुशी में बनाते हैं एक बढ़िया सा प्लेटर मैं अभी बनाने जा रही हूँ कचौड़ी जो कि है हींग कचौड़ी एक्चुअली में इसके लिए मैंने ले लिया है एक कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा और एक कटोरी मैदा तीन से चार चम्मच मैं इसमें घी डालूंगी वैसे तो ये रेसिपी टोटल मैदे से बनती है बट यहाँ पे थोड़ा हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए मैंने आटा भी मिला दिया है अब इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला है एकदम सॉफ्ट सा डो बना के इसको रेडी कर लेंगे थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं और बना लेते हैं कचौड़ी की फीलिंग्स यहाँ पे मैंने चने का सत्तू लिया है उसमें डाला है भुना हुआ जीरा डेढ़ चम्मच थोड़ा सा नमक है लाल मिर्च का पाउडर है दो चम्मच आमचूर का पाउडर है अब इसमें हम डालेंगे एक बड़े चम्मच हींग अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हींग है तो उस हिसाब से ही डालिए मेरा हींग नॉर्मल है तो मैं एक चम्मच डाल रही हूं सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे इस कचौड़ी में अपना स्पेशल टच देने के लिए मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला मैजिक वैसे तो इसमें नहीं डाला जाता है बट एक टाइम पे मैंने ट्राई किया था ना तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आया था तो एक पैकेट मैगी मसाला मैजिक ऐड कर दूँगी मैं अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एकदम सॉफ्ट सा डो बना लेंगे इतना ये गीला होना चाहिए कि देखिए आराम से इसका लड्डू सा बन जाए सारे सत्तू को हम ऐसे छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट कर लेंगे कचौड़ियाँ वैसे पूड़ियों से थोड़ी सी मोटी ही होती हैं तो थोड़ा सा बड़ा सा लोई लेंगे उसमें रखना है एक बॉल को और जैसे आलू के पराठे में आलू फिल करते हैं ना वैसे ही फिल करके बंद करके और इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से घुमाते हुए पूरा जो अंदर का आ, मसाला है उसको स्प्रेड कर देंगे देन हल्का हल्के हाथ से बेलन से दो से तीन बार हम इसको बेल के हल्का सा साइज़ बड़ा कर लेंगे अब इसको गर्मा गर्म तेल में तल लीजिए आपकी कचौड़ियाँ गर्मा गर्म सी रेडी हो जाएंगी इसके साथ मैंने तो बनाया है वैसे सेवैया आलू दम आप कुछ भी बना के अपनी पसंदीदा सब्जी या चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं वैसे ये एक बंगाली डिश है और इसको सर्व किया जाता है चने की मीठी दाल के साथ दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स एंड रेसिपीज के साथ Till then take care and bye bye